मकई बारी का ऐतिहासिक टेस्टिंग रूम में आ रहे हैं। फिर यहाँ पे भी लकड़ी, ये भी लकड़ी का है, लेकिन यहाँ पे ये बगान के लोगों का मेहनत, ये बगान का इतिहास दर्शाती है। ये सब चाय, ये विश्व का एक नंबर चाय, सिल्वर टिप्स देख रहे कैसे चांदनी तरह का है, और ये चांदनी रातों में ही उठाया जाता है, पूर्णिमा के रातों को, ये जो भी दिन में नहीं हो सकता है। पूर्णिमा हम लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, दिन देख के हम लोग करते हैं, तो चाय भी उसी तरह बनता है। चाय, चाय के साथ अगर प्यार नहीं हुआ, चाय बगान में क्या बुलाया जाए, बगान सूख जाएगा अगर हम नहीं पहुँचे तो। बगान तभी उन्नति करेगा जब हम पहुँचेंगे बगान में, ठीक है। ये हमारे यहाँ का ग्रीन टी है, देख रहे हैं ग्रीन टी का कलर, यहाँ से आपको मतलब जो फ्रेशनेस, जो ताजगी आपको साग में मिलेगा, जो ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीनीज में मिलेगा, वो आपको मिलेगा। ये उलोंग है, ये फर्स्ट क्लास चाय है, जिसके लिए हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, मार्च महीना आने वाला है। ये जितना जल्दी अगर हम लोग का लिए, सबसे हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग सब पूजा कीजिए कि हम लोग थोड़ा एक आध इंच पानी मिल जाए और हम लोग को थोड़ा। फर्स्ट क्लास जो चाय होता है वो कितने टाइम में मिलता है, कौन महीने में मिलता है? मार्च से लेके मई तक मिलेगा, मार्च से लेके मई तक। अब अगर पानी जल्दी आ गया तो जल्दी पत्ती मिलेगा। यहाँ होता है सूखा पड़ जाता है, हम लोग सब आसमान देखते रहते हैं जैसे चिलगित कौवे होते हैं, कब पानी आएगा कब पानी आएगा। जिस दिन पानी आ गया उस दिन हर बगान का प्लांटर खुशी के मारे घूमता है, झूमता है। सेकंड प्लस जो होता है, जो बोले उसके बाद सेकंड प्लस तो जून महीना शुरू हो जाता है, उससे पानी पानी होता है, उससे फिर हम लोग सोचते हैं थोड़ा पानी कम हो या उल्टा है पहाड़ में। जब होता है तो ऐसा होता है कि मतलब रुकने का नाम नहीं लेता है, और जब नहीं होता है तो पूरा सूखा बना देता है। ये जो चाय बनाया है, अगर आप हमको बनाने के लिए बोलेंगे हमसे नहीं बनेगा। इस चाय में जो कला है, इस चाय बनाने का जो तरीका है, ये हमारी राधिका जी है। जब से छोटे से पैदा हुए, जब 8 साल या 9 साल से चाय बगान में, और यहाँ फैक्ट्री में चाय बना रही है लास्ट 25 साल से, 20 साल से, 25 साल से, टोटल उनका उम्र ही हुआ है 30 साल। तो क्या आप बात कर रहे हैं, तो उनके हाथ का अगर चाय नहीं बना, ना मेरे पेट में पूछता है और ना जितने विदेशी बाहर आते हैं हमारे जो चाय खरीदते हैं, आज उनके चाय से सब बनाता है। बनाते हम होंगे लेकिन चाय का आखिरी प्रोडक्ट पिलाने वाला वो दीदी है, उनका नाम है राधिका। और हम लोग सब उनसे गर्वित हैं, उनको पाके कि आज एक कप चाय दिन का पीते हैं उनके हाथ से, हमारा दिन बन जाता है।